नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके सपने यूट्यूब चैनल रेल है तो देसा की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं मऊ खंडवा कोला गेज कन्वर्जन की एक और नई तशरीफ के ऊपर। जी हां दोस्तों, सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में भी हम उपलब्ध जरूर से कराएंगे और सारी चीजें अवगत कराने के साथ साथ जो रियलिटी है उसके साथ भी हम आपको दिखाते हुए ले चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो ये रेल लाइन है इसको माना जाता है कि दिल्ली मुंबई का गेटवे, क्योंकि रतलाम अकोला पूरा होते ही उत्तर से दक्षिण की दूरी लगभग 150 किलोमीटर की कम हो जाएगी। ये स्टेटमेंट है रेलवे का और ये सही भी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे एक रेलवे लाइन तैयार हो जाए तो ना सिर्फ इंदौर बल्कि रेलवे की तशरीफ ही बदल दी जाएगी, क्योंकि ये मालवा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रेल लाइन मानी जाती है। मऊ खंडवा कोला गेज कन्वर्जन का काम पूरा हो जाने के बाद में सब कुछ बदल जाएगा। ये लाइन रेलवे के लिहाज से भी सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इस लाइन से एक नया रूट तैयार होगा, इससे उत्तर दक्षिण के बीच में चलने वाली ट्रेनों की दूरी तकरीबन 150 किलोमीटर की कम हो जाएगी। सबसे खास बात तो यह है कि दिल्ली मुंबई मुख्य मार्ग पर जो अभी दबाव है ट्रेनों का वो लगभग 140% का है, वह कम हो जाएगा। और यही नहीं, इंदौर से मुंबई की दूरी 70 किलोमीटर की कम होगी और इंदौर से पुणे की दूरी 100 किलोमीटर तक की कम हो जाएगी। रेलवे ने मऊ खंडवा कोला गेज कन्वर्जन के लिए इस प्रोजेक्ट को अब तक की सर्वाधिक 888 करोड़ की राशि दी है। हालांकि गेज कन्वर्जन के इस काम में लगातार देरी हो रही है। 2008 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में लगातार टाइमलाइन बढ़ाई जा रही है। रेलवे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रूट तैयार हो गया तो इससे एक नया विकल्प मिलेगा जो रेलवे के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उधर यहाँ पर CAO के RK यादव अनुसार इंदौर से जुड़े सारे प्रोजेक्ट पर अब और तेजी से काम किया जाएगा और टाइमलाइन है उसमें काम होगा और जल्द से जल्द सारी प्लानिंग को अंजाम दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 888 करोड़ का जो बजट है वो एक विशाल बजट इस साल इस रेलवे लाइन को प्राप्त हुआ है। केंद्रीय बजट में इस बार इस प्रोजेक्ट को सर्वाधिक 888 करोड़ रुपए की राशि मिली है। रेलवे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस राशि से रेलवे को नर्मदा पर बनने वाले ब्रिज का टेंडर कर देना चाहिए। इसके अलावा काफी ज्यादातर हिस्सों में लाइन बिछाने का काम भी है, उसे भी जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए ताकि यात्रियों की जो सुविधा है वो भी यहाँ पर जल्द से जल्द बहाल हो सके। और हम आपको एक चीज और बताते हैं कि 2008 में इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जो स्वीकृति है वो दी थी। प्रोजेक्ट में रतलाम से इंदौर और इंदौर से मऊ के बीच में गेज कन्वर्जन का काम पूरा हो चुका है वर्तमान की स्थिति में। 2019 से डेडलाइन बढ़ाकर इसकी 2022 ही कर दी है, क्योंकि मऊ के आगे घाट सेक्शन का सर्वे अब तक पूरा नहीं हो सका है वर्तमान की स्थिति में। अकोला से खंडवा के बीच में हिस्से में अभी काम हो चुका है और 2026 तक जो नई डेडलाइन है उसको रखा गया है। सनावास से ओमकारेश्वर रोड की ओर काम अभी चल रहा है, ये जानकारी रेलवे अधिकारियों के अनुसार मैंने आपको बताई है। यही नहीं, अभी और भी आप लोग यहाँ पर सुनते जाइए, मैं आपको क्या क्या चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मऊ के आगे जो घाट सेक्शन है इस सेक्शन का सर्वे ही अब तक पूरा नहीं हुआ है, जो कि काफी जो तारीफ वाली चीज है ये मानी जाती है। घाट सेक्शन का काम सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इस सेक्शन पर 25 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले सर्वे शुरू हो गया था और अब तक 3 बार इसका जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है और रेलवे ने एक बार फिर सर्वे कर नया अलाइनमेंट 1:150 तैयार किया है। और रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सर्वे अप्रूवल के लिए रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा और इसके बाद में इसमें नई चुनौतियों के साथ जमीन अधिकरण की जो सारी प्रक्रिया है वो की जाएगी, क्योंकि ज्यादातर वन विभाग की जमीन है। और रेलवे एक्सपर्ट्स का कहना है कि काम शुरू होने के बाद भी काम कम से कम 3 से 4 साल इसमें लगने वाले हैं। 350 करोड़ पिछले बजट में इसे प्राप्त हुए थे और इस प्रोजेक्ट के लिए मिले थे। और रेलवे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रुपया खर्च नहीं हुआ तो रेलवे दूसरे प्रोजेक्ट के लिए इस राशि को ट्रांसफर भी कर देगा। तो ये जो पूरा जो मुद्दा है वो यहाँ पर अभी बताया जा रहा है। तो ये थी सारी अपडेट अभी वर्तमान की, जहाँ पर मैंने अभी काम को छोड़कर एक जो अलाइनमेंट है उसको आपके सामने रखा है कि अलाइनमेंट की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं और जो एक घाट सेक्शन है मऊ के आगे वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत अभी देने वाला है। तो आप लोग खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना समय लेने वाली है पूरी रेल लाइन परियोजना। बजट काफ़ी सही मिल रहा है। आगे जो भी नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर से देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। चैनल को करना सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।